नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। बुलेटिन में आज हम आपको बताएंगे नासा के रोवर चैलेंज और कोलकाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के शोध के बारे में। इसके अलावा चर्चा करेंगे अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस की। लेकिन सबसे पहले नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में भारतीय टीमों ने दिखाया हुनर, दो टीमों ने जीते इनाम। काइटोसन पर वैज्ञानिकों का ताजा शोध, फसलों में बीमारियों की रोकथाम में मिलेगी मदद। इंदौर के आरआर कैट में विकसित हुई ऑप्टिकल इमेजिंग तकनीक उत्तकों के परीक्षण में है कारगर। खोज खबर में चर्चा करेंगे पृथ्वी दिवस की और जानेंगे क्या है इसका हमारे जीवन में महत्व। और करियर इन साइंस में जानिए कैसे बना सकते हैं न्यूक्लियर साइंस में अपना भविष्य। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय छात्रों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनका कौशल सिर्फ प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका नजारा देखने को मिला नासा द्वारा आयोजित ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज प्रतियोगिता में, जिसमें भाग लेने वाली भारत की चार टीमों में से दो टीमों ने पुरस्कारों पर कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को दूसरे ग्रहों के वातावरण और सतह के मुताबिक रोवर तैयार करने होते हैं और फिर उनकी रेस भी करवाई जाती है। इस बार प्रतियोगिता में पूरी दुनिया के लगभग 80 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारतीय कौशल के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है। इस बात को एक बार फिर साबित कर दिखाया है चार भारतीय टीमों ने, जिन्होंने हाल ही में नासा द्वारा आयोजित रोवर चैलेंज में हिस्सा लिया। इस वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन डेविडसन सेंटर फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन में किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत की चार टीमों समेत दुनिया की 80 टीमों ने हिस्सा लिया, मुख्य रूप से अमेरिका, इटली, जर्मनी, मेक्सिको, कोलंबिया, रशिया और पुएर्टो रिको के प्रतिभागी नासा द्वारा आयोजित ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2016 का हिस्सा बने। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को मंगल, एस्टेरॉयड और सुदूर ग्रहों व चंद्रमा की सतह के अनुरूप मानव संचालित रोवर बनाने थे, जिसका उद्देश्य शोध और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के साथ साथ छात्रों में भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के प्रति उत्साह पैदा करना था। भारत से मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग महाराष्ट्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, सत्यभामा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु और स्काईलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश की टीमों ने हिस्सा लिया। पुरस्कारों के लिए भारतीय टीमों ने बेस्ट डिजाइनिंग पिट क्रू अवार्ड के साथ साथ पहियों की डिजाइन और चीजों को उठाने के लिए बनाई गई एक तकनीक के लिए अलग अलग श्रेणियों में मुकाबला किया। वहीं मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग ने बेस्ट रिपोर्ट का पुरस्कार जीता, जबकि यूनिवर्सिटी डिवीजन में आईआईटी रुड़की ने 17 मिनट 24 सेकंड में लक्ष्य को पूरा करते हुए पिट क्रू पुरस्कार पर कब्जा किया। कीटनाशकों के प्रयोग से पौधों को तो बीमारियों से बचा लिया जाता है, लेकिन ये कीटनाशक पौधों के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। ऐसे में कोलकाता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काइटोसन नाम के तत्व पर शोध कर इसे सूक्ष्म रूप में परिवर्तित किया है। काइटोसन के इस नैनो पार्टिकल्स द्वारा पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है और उनमें बीमारियों की रोकथाम आसानी से की जा सकती है। कमाल की बात है और शायद इसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा कि फसल बचाने के लिए हम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेहतर फसल के लिए होने वाला रासायनिक छिड़काव हमारे स्वास्थ्य पर भारी पड़ता दिख रहा है। इसकी वजह से मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। शोधकर्ताओं ने इसका एक अच्छा रास्ता खोज लिया है।
काइटोसन एक नॉन टॉक्सिक ऑर्गेनिक प्राकृतिक बायोपॉलीमर है। काइटोसन झींगा और दूसरे समुद्री जीवों से निकाला जाता है। हाल के वर्षों में शोधकर्ताओं को काइटोसन एक प्राकृतिक बायोपेस्टिसाइड के तौर पर लुभा रहा है। इससे बीमारियों को रोकने में भी मदद मिलती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के डॉक्टर कृष्णेंदु आचार्य के नेतृत्व में इस पर शोध हुआ है। इसी में ये सामने आया कि इसका इस्तेमाल प्राकृतिक तौर पर पौधे की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। काइटोसन के नैनो पार्टिकल पौधे की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। जो परिणाम सामने आए हैं उसके मुताबिक काइटोसन नैनो पार्टिकल से पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे पेरोक्सिडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, अमोनिया, ग्लूकनेज आदि बढ़ जाते हैं। परिणाम बताते हैं कि काइटोसन से प्रबंधित चाय के पौधों में जब एंजाइम की मात्रा और जीन की गतिविधि को मापा गया तो ये पता चला कि काइटोसन के कारण प्रतिरोधक एंजाइम जैसे पेरोक्सिडेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज और बीटा 1 3 ग्लूकनेज की मात्रा में बढ़त पाई गई। जब सिर्फ काइटोसन और नैनो कणों वाले काइटोसन में तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो नैनो कणों वाले काइटोसन से प्रबंधित पौधों में पैदावार काफी ज्यादा दर्ज की गई। द नैनो पार्टिकल बेस्ड डिलीवरी सिस्टम में प्रोवाइड बेटर रिस्पांस एट द क्वांटिटेटिव लेवल ऑफ द ऑलरेडी रिपोर्टेड इम्यून मॉड्यूलेटर एलिसिटेड बाय कीटोसन। कीटोसन नैनो पार्टिकल हैज बेटर बायो एक्सेसिबिलिटी कंपेयर टू कीटोसन and its bioaccumulation level in plant cell is distinctly higher compared to ketosan. Ketosan nanoparticle can serve as a more potent and cost effective, this is very important, and common people can produce it in their kitchen. They don't need so much so laboratory sophistication to develop this thing, which may be utilized as an elicitor. And this elicitor can be produced by the common people for future disease management in plants. इसी प्रकार पत्तियों में 33-40% तक ऑक्सीकरण रोधी एंजाइम जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिसेम्यूटेज तथा कैटलेज की मात्रा बढ़ गई। इसके साथ ही फ्लावोनॉइड नाइट्रिक ऑक्साइड और रोग प्रतिरोधक जिन के कार्य में भी बढ़त दर्ज की गई। शोध में ये बात सामने आई है कि काइटोसन नैनो पार्टिकल का असर पौधों पर किस तरह से पड़ता है और कैसे पौधों को बीमारियों से बचाने में कारगर है। इस शोध को नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि मानव के साथ साथ फसलों के स्वास्थ्य के लिए भी हमें एक सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प मिल गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज ऐसी तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं जिनसे शरीर के अंदर सूक्ष्मतर स्तर पर भी जांच की जा सकती है। वहीं आज पूरी दुनिया में ऑप्टिकल इमेजिंग का चलन भी तेजी से बढ़ चला है। इसी दिशा में शोध करते हुए इंदौर के राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में एक ऐसी ही तकनीक विकसित की गई है जिससे घाव के लगने पर उत्तकों के पुनर्निर्माण की जाँच की जा सकती है। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिकित्सा के क्षेत्र में आज ऐसी तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं, जिसके द्वारा वैज्ञानिक सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर शोध कर सकते हैं। एक्सरे, सीटी स्कैन जैसे तमाम मेडिकल उपकरण आज हमारे पास हैं, जिनके द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश किए बिना ही शरीर की जांच की जा सकती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में ऑप्टिकल इमेजिंग का भी खूब प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर आधारित उपकरणों द्वारा सूक्ष्म स्तर पर ऊतकों और कोशिकाओं की जांच संभव है। ऑप्टिकल इमेजिंग पर कार्य करते हुए राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर के वैज्ञानिकों ने ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी तकनीक विकसित की है। सामान्य एक्सरे और सीटी स्कैन की अपेक्षा इस ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी की विश्लेषण क्षमता काफी बेहतर है।
यानी कम से कम माइक्रोन तक की चीजों को इस उपकरण द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी को हम आल्सो यूज कर रहे हैं टिश्यू वैस्कुलेचर के लिए। उसमें इफेक्टिवली जब ब्लड फ्लो कर रहा है या कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो उसे इंटेंसिटी फ्लक्चुएशंस होंगे। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इंटेंसिटी रिलेटिवली कांस्टेंट रहेगी, और जहाँ फ्लो हो रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी फ्लक्चुएशन होंगे। इसको एक्सप्लोइट करके वी कैन गेट ए थ्री डायमेंशनल मैपिंग ऑफ द वैस्कुलेचर। इस तकनीक में मुख्य रूप से दो उपकरण लगाए गए हैं जिसमें लेजर और फाइबर ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें से एक उपकरण को त्वचा से संपर्क में लाया जाता है और फिर मॉनिटर के द्वारा कोशिकाओं और ऊतकों की जांच की जाती है। फिलहाल इस उपकरण का इस्तेमाल चोट के लगने पर ऊतकों के पुनर्निर्माण को देखने के लिए किया जा रहा है। हम लोग ये एक्सप्लॉइट करते हैं कि जब वुंड्स में होता है तो ये कोलेजन मैट्रिक्स जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन कोलेजन है वो डिस्टर्ब होती है, एंड कोलेजन इज बायरेफ्रिंजेंट, तो इससे बायरेफ्रिंजेंस से फर्क पड़ता है। एंड अगर हम पोलराइजेशन सेंसिटिव ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, इसमें इफेक्टिवली ये है कि हम दो ऑर्थोगोनल पोलराइजेशन पे इमेज दे रहे हैं, उससे हम टिश्यू के बायोफ्रिंजेंस के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं और बिना हिस्टोलॉजी के कैसे वुंड हील कर रहा है उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। दरअसल जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो उस स्थान के ऊतक नष्ट हो जाते हैं। स्वस्थ लोगों में तो ऊतकों का फिर से निर्माण हो जाता है, लेकिन कुछ बीमारियों में इनका पुनर्निर्माण नहीं होता। ऐसी स्थिति में इस तकनीक का बेहतर उपयोग हो रहा है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे वापस विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। और देश और दुनिया में चल रही वैज्ञानिक हलचलों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं साइंस एक्सप्रेस पर। दुनिया भर में बाघों को बचाने के लिए दिल्ली में 3 दिनों के टाइगर कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें एशिया के सभी देशों के मंत्री शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में 700 से ज्यादा बाघ संरक्षण विशेषज्ञ और 15 देशों के अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया को बाघों का शिकार रोकने के लिए एक साथ आना होगा। भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के राजकुमार विलियम और केट मिडिलटन ने मुंबई में नौजवान इनोवेटर से मुलाकात की। शाही जोड़े ने भारतीय खोज को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा आनंद महिंद्रा सहित देश के दूसरे बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात की। ब्रिटेन के राजकुमार विलियम ने भारतीय शोधकर्ताओं और उद्योगपतियों की तारीफ की और इस मौके पर टेक रॉकेटशिप अवार्ड का भी ऐलान किया। किसानों और लोगों के लिए एक बेहद राहत वाली खबर है। मौसम विभाग ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। अनुमान के मुताबिक बारिश 106% होने की संभावना है। पृथ्वी जो ना सिर्फ मानव बल्कि लाखों अन्य प्रजातियों का घर है और साथ ही ब्रह्मांड का एकमात्र स्थान है जहां पर जीवन का अस्तित्व पाया जाता है, लेकिन बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दिन ब दिन कटते पेड़ों और बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारा वातावरण दूषित होता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी इस धरा के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें। इसी बात को याद दिलाने के लिए हर साल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आज अपने सेगमेंट खोज खबर में हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर और जानेंगे क्या है पृथ्वी दिवस का उद्देश्य।
धरती की कहानी अद्भुत है। हमारा घर हमारे जैसे जाने कितने जीवन का आधार, मानव का आधार। धरती की कहानी सबसे हटकर है, सबसे अनूठी है। अब तक की सारी वैज्ञानिक खोज यही बताती है कि धरती अकेला ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है। पानी है और तपते गर्माते सूरज से इतनी दूरी कि लोग यहां जी सकते हैं। प्राण वायु ऑक्सीजन भी है और हर वो जरूरी माहौल जिससे जीवन बेहतर तरीके से चलता है। धरती की एक और अनोखी बात है कि इसका नाम दूसरे ग्रहों की तरह ग्रीक या रोमन मान्यता के आधार पर नहीं है, बल्कि पुराने अंग्रेजी और जर्मन आधार पर पड़ा है। धरती की कहानी बेहद रोचक है। धरती पर मानव इतिहास 6000 साल पुराना ही खोजा जा सका है, जबकि धरती की अपनी उम्र 4.5 अरब वर्ष से ज्यादा की है। दुखद ये है कि सिर्फ 6000 साल पर धरती पर आए हम मनुष्यों ने धरती का इतना नुकसान कर दिया है जितना सबने मिलकर भी नहीं किया होगा। सत्तर के दशक में तो हम मनुष्यों ने धरती की चिंता करना भी जरूरी नहीं समझा। उस समय हमें लगा कि धरती को बचाने की जरूरत है, पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, और इसके लिए वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई। 22 अप्रैल को दुनिया भर में ये दिन धरती और पर्यावरण को बचाने के लिए जाना जाता है। अर्थ डे नेटवर्क के संयोजन में दुनिया के 193 देश इसमें शामिल होते हैं। हम भारतीयों को ये जानकर खुशी होगी कि अर्थ डे नेटवर्क का मुख्यालय कोलकाता में है। वर्ल्ड अर्थ डे का ये 46वां साल है। इस साल ट्रीज फॉर द अर्थ इस दिन की थीम चुनी गई है। इस साल ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी दिन अमेरिका, चीन और दूसरे 120 देश पर्यावरण बचाने के लिए हुए पेरिस समझौते पर दस्तखत करेंगे। करीब 800 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य इस बार तय किया गया है। इस अभियान में स्कूली बच्चों और कॉलेजों को भी शामिल किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इस बारे में जागरूक हो सके। इस बार वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर अर्थ एंथम भी जारी किया जाएगा। कवि राजनयिक अभय कुमार के इस प्रस्ताव को यूनेस्को ने हाथों हाथ लिया है। अर्थ एंथम को कुल 8 भाषाओं में जारी किया जाएगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी आधिकारिक भाषाएं शामिल हैं। दुनिया वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर धरती और पर्यावरण बचाने की शपथ लेगी, लेकिन सबके बाद हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि धरती और पर्यावरण बचाना एक दिन की रस्म अदायगी या उत्सव नहीं है। इसके लिए हमें हर दिन प्रयास करना होगा। क्या आप न्यूक्लियर साइंस में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? तो ये हमारा खास सेगमेंट आप ही के लिए है। जी हाँ, अपने सेगमेंट करियर इन साइंस में आज हम आपको बताएंगे कैसे आप न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं और कौन कौन से संस्थान इसके लिए बेहतर हैं। दुनिया कैसे बनी, ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है। दरअसल जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो सब कुछ अनगिनत अणुओं परमाणुओं से ही बना हुआ है। ये हमें दिखाई भले ही नहीं देते, लेकिन यही मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं और इसी से वो ऊर्जा मिलती है जिससे सब कुछ चलता है। जब इसी को समझने की पढ़ाई की जाती है तो उसे हम न्यूक्लियर साइंस या परमाणु विज्ञान के नाम से जानते हैं। आमतौर पर हम लोग न्यूक्लियर साइंस को सिर्फ हथियारों और युद्ध से ही जोड़कर देखते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आज की दुनिया में न्यूक्लियर साइंस की भूमिका बहुत बड़ी है। ऊर्जा क्षेत्र के अलावा दूसरे ढेर सारे क्षेत्रों में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का विस्तार हुआ है। न्यूक्लियर मेडिसिन के जरिए कैंसर और दूसरी ऐसी घातक बीमारियों के इलाज और उन्हें समझने में मदद मिल सकती है।
न्यूक्लियर साइंस के जरिए खेती में खाद के उपयोग, नई किस्में और दूसरी कई तरह की मदद मिल सकती है। इस विज्ञान की भूमिका खाद्य उत्पादन, प्रदूषण विश्लेषण, मशीनों के बनाने में और दूसरे कई महत्व के स्थानों पर हो सकती है। 12वीं कक्षा तक भौतिक विज्ञान के साथ विज्ञान का अध्ययन करने वाले छात्र न्यूक्लियर साइंस में अपना भविष्य बना सकते हैं। स्नातक, परास्नातक और शोध कार्य करने के लिए न्यूक्लियर साइंस एक अच्छा विषय है। देश के कई ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो न्यूक्लियर साइंस में पढ़ाई कराते हैं। भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, मुंबई, मद्रास और कानपुर IIT, स्कूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी गांधीनगर, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, मणिपाल कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेंटर और न्यूक्लियर मेडिसिन पंजाब विश्वविद्यालय, ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं। इसके अलावा भी कई जगह पर न्यूक्लियर साइंस की पढ़ाई होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद न्यूक्लियर इंजीनियर के तौर पर प्रयोगशालाओं, प्लांट, विश्वविद्यालय और दूसरे सरकारी संस्थानों में काम किया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। आने वाले समय में न्यूक्लियर साइंस में भविष्य और बेहतर होने के आसार हैं। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए बस इतना ही। विज्ञान और तकनीकी ताज़ा हलचलों के साथ अगले हफ्ते एक बार फिर होंगे हाजिर इसी वक्त इसी चैनल पर। देखते रहिए राज्यसभा TV। नमस्कार।